कुंभनदास जी नित्य नवीन पद रचना करके लाडले लाल को लाड़ लड़ाते रिझाते और ऐसी प्रगाढ़ अनुरक्ति। देखो एक ही मन है, एक ही चित्त है और आप एक ही शक्ति हैं, आपकी जीवनी शक्ति भी एक ही है। जीव बार बार संसार की ओर देखता है, आसक्त होता है। जितनी बार संसार की ओर देखेंगे, जैसे किसी बड़े विभत्स दृश्य को देखकर आपके मन में सहसा एक असहजता उत्पन्न हो जाती है, किसी पवित्र वस्तु का, किसी पवित्र स्थान का, किसी संत का दर्शन करके सहसा आपके मन में एक एक पवित्रता, एक सात्विकता उद्भूत होती है। ऐसे ही जितनी बार संसार को देखोगे कोई ना कोई परिणाम आएगा, भोगने की बात नहीं कर रहा मैं। जितनी बार संसार पर दृष्टि जाएगी उतनी बार कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी। यदि आपके जीवन में संस्कार नहीं हुआ, आपके जीवन में सत्संग नहीं हुआ, जितनी बार संसार पर दृष्टि जाएगी उतनी आपकी आसक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी, उतना आपका दुख, आपका बंधन और घरा गहना होता जाएगा। और वही आसक्ति सदगुरु की कृपा से, वही दृष्टि सदगुरु की कृपा से प्रभु को देखने लगती है तो फिर भक्ति हो जाती है, अगाध अबाध सुख का हेतु हो जाती है। और कुंभनदास जी के साथ बिल्कुल ठीक ऐसे ही हुआ। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी आसक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। श्री गोसाई जी, श्री कुंभनदास जी की प्रीति अनुरक्ति, उनका राग, उनका अनुराग देख देख कर आनंदित होते। और जैसा कि वार्ता में प्रसिद्ध है कि कुंभनदास जी की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। 17 लोग परिवार में थे, 7 पुत्र कुंभनदास जी के, उनका परिवार, कुंभनदास जी की पत्नी, एक विधवा भतीजी और कुंभनदास जी के परिवार में रहती थी। कुल मिलाकर 17 लोग कुंभनदास जी के परिवार में थे और केवल 2 बीघा जमीन। तो जीवन सदा अभावग्रस्त बना ही रहता था। पर जिसके हृदय में सद्भाव है उसके जीवन का अभाव उसे पीड़ित नहीं करता। अभाव तो होता है लेकिन अभाव पीड़ित नहीं करता। कुंभनदास जी का जीवन भी ऐसा, कछु लेना न देना, मगन रहना। राजा मानसिंह कुंभनदास जी का दर्शन करने आए, ब्रज में आए थे, तो कुंभनदास जी जैसे भगवदीय का दर्शन करना उन्होंने आवश्यक समझा। कुंभनदास जी की कुटिया पर आए, भोर का समय था, कुंभनदास जी स्नान करके बैठे ही थे और श्री ठाकुर जी कुंभनदास जी की गोद में आकर विराज गए। इतने में आकर मानसिंह ने दरवाजा खटखटा दिया, ठाकुर जी अंतर्हित हो गए। मानसिंह भीतर आया, मानसिंह ने प्रणाम किया और श्री कुंभनदास जी क्या उत्तर देते हुए कहते हैं कि आए तो थे फिर पतु ना का कहते चले गए। मानसिंह फिर प्रणाम करता है, कुंभनदास जी फिर उत्तर देते हैं आए तो थे फिर पतु ना का कहते चले गए। द्वार पर राजा खड़ा है लेकिन कुंभनदास जी के मन चित्त की वृत्ति भी उसकी ओर नहीं है। कुंभनदास जी को सुधी ही नहीं है कि द्वार पर कौन है, मन पूर्ण रूपेण लगा है गोविंद चंद्र की रूप माधुरी में, एक ही बात रट रहे हैं कि आए तो थे फिर पतु ना का कहते चले गए। भतीजी आई, उसने देखा कि राजा साहब खड़े हैं, उसने कहा काका ये राजा आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं। तब कुंभनदास जी ने राजा की ओर देखा, राजा ने प्रणाम किया पर कुंभनदास जी का वही उत्तर कि आए तो थे फिर पतु ना का कहते चले गए। खैर कुंभनदास जी ने भतीजी से कहा कि आसन और दर्पण ले आ, मैं तिलक स्वरूप कर लूं। तो भतीजी क्या उत्तर देती है, बोली बाबा आसन तो पड़िया खा गई और दर्पण पी गई। अब राजा ने मन में विचार किया कि ऐसा कौन सा आसन और ऐसा कौन सा दर्पण जिसे पड़िया खा गई और पी गई। तो कुंभनदास जी ने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूं तूने एक दूसरो बनाए ला। कुछ क्षणों के पश्चात कन्या आई, फूस का आसन और एक मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल जिसमें देखकर कुंभनदास जी तिलक लगाया करते थे। राजा को समझते देर नहीं लगी कि कितना अभावग्रस्त जीवन है, किस इन साधारण वस्तुओं का भी घर में अभाव है। बैठने को आसन नहीं है, देखने को दर्पण नहीं। राजा के मन में आया कि ऐसे भगवदीय ऐसा अभावग्रस्त जीवन यापन करते हैं तो इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो राजा ने पूछा कि आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। कुंभनदास जी कहते हैं कि गोवर्धन नाथ की कृपा से हमको सब संपन्नता है। राजा ने कहा वो तो दिखाई पड़ रही है।
वो तो हमको दिखाई पड़ रही है, तो आपकी कुछ सेवा करना ही चाहता हूँ। दो चार बार राजा ने पूछा, कुंभन दास जी ना करते रहे। फिर राजा ने कहा कि कुछ भूमि मैं आपके निमित्त दान कर देता हूँ। कुंभन दास जी ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, दान लेने का अधिकारी नहीं हूँ, दान देना हो तो किसी ब्राह्मण को जाकर दीजिए। राजा मानसिंह ने येन केन प्रकारेण बहुत कुछ देने का प्रस्ताव कुंभन दास जी के सन्मुख रखा। अंत में कुंभन दास जी कहने लगे, राजा देखते हो ये हमारे घर के आंगन में दो पेड़ हैं, एक टेंटी का और एक बेर का। बोले, सर्दी में बेर हमें समृद्ध बना देता है और गर्मी में टेंटी हमारे घर और परिवार का पेट भर देता है। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, हम कुछ नहीं चाहते। अंत में राजा मानसिंह ने एक मणि जटित दर्पण कुंभन दास जी को दिया कि और कुछ नहीं तो नित्य प्रति तिलक स्वरूप करने के लिए ये दर्पण तो अपने पास रख लीजिए। कुंभन दास जी ने मन में विचार किया कि राजा हो, बुद्धिमान होना चाहिए, हमारी इस झोपड़ी में ये मणि जटित दर्पण शोभा देगा, इसकी सुरक्षा व्यवस्था करने के प्रपंच में थोड़ा बहुत जो हरि का भजन होता है सो भी जाता रहेगा, और वैसे भी हमारी अवस्था देखते हो ये दर्पण तो योग्य है कि इसमें लाडले श्रीनाथ जी अपना मुख चंद्र देखें। सो निवेदन करना है तो उन्हें जाकर करिए। हार गया राजा मानसिंह। आज पहली बार राजा मानसिंह ने कहा कि मैंने माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, मायापति का भक्त आज मैंने पहली बार देखा है। आज मेरा इतना सौभाग्य तो अवश्य जगा है कि मैं मायापति के भक्त का दर्शन कर रहा हूं। माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। पहली बार एक फकीर के सामने एक बादशाह, लेकिन आज पहली बार बादशाह को अपनी बादशाहत फकीर की फकीरी के सामने तुच्छ जान पड़ रही है। थक गया राजा मानसिंह। प्रभु, मैं संत सेवा का उद्देश्य लेकर आया था, आप जैसे किसी भगवदीय की सेवा करना चाहता हूं, करबद्ध आपसे निवेदन है, कोई तो सेवा हमें प्रदान करिए। कुंभन दास जी ने कहा, चलो ठीक है, जो कहेंगे सो करोगे? बोले हाँ। तो बोले, आज के पीछे कभी हमारी कुटिया पर मत आना, बस यही सेवा तुमसे चाहते हैं कि आज के पीछे कभी हमारी कुटिया पर मत आना। निराश होकर लौट जाना पड़ा मानसिंह को, लेकिन कुंभन दास जी ने मन से भी स्वीकार नहीं किया। चला गया जब राजा मानसिंह, कुंभन दास जी ने तिलक स्वरूप किया, तिलक पूरा किया ही था ठाकुर जी फिर झट से आकर गोद में बैठ गए। कुंभन दास जी कहने लगे, जय जय, आप कछु कहना चाह रहे थे? ठाकुर जी ने कहा, धत। कुंभन दास जी बोले, धत क्यों? बोले, अरे राजा मानसिंह को मैंने ही तो पठायो, मैंने ही तो भेजा था उसे कि किसी प्रकार से आपके लिए कुछ अनुकूल व्यवस्था हो जाए। कुंभन दास जी ने कहा, धत। ठाकुर जी ने कहा, आप धत क्यों कहते हैं? बोले, जय जय, नेत्र सजल हो गए कुंभन दास जी के। बोले, जय जय, एक बात पूछूं? सो उत्तर दो। तो ठाकुर जी ने कहा, पूछिए। जो मैं मानसिंह पर कछु ले ले तो आप पुनः आकर मेरी गोद में बैठते? तो ठाकुर जी ने कहा, यदि मेरा कार्य हो जाता तो मैं क्यों आता? कुंभन दास जी ने हृदय से लगा लिया श्री ठाकुर जी को। धर्म ना अर्थ ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा होए मोए कछु देवे की, तो बस इतनो ही दीजियो। स्वामी मोहना बिसारियो, लाख लोग मिल जा, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना। बस बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मुहे दे, इतना ही दीजिएगा कि एक क्षण के लिए भी आपकी विस्मृति ना हो जाए, आपकी दृष्टि में रहूं। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसौ निरंतर ताके उर, सो राउर निज गेह।